आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने एक और पुराने नेता नकुल दुबे को पार्टी से बाहर निकाल दिया। नकुल दुबे कह रहे हैं कि उन्हें क्यों निकाला गया पता नहीं, और न ही मायावती ने उनसे कोई सफाई मांगी। अब उनके बीजेपी में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मायावती अपने सख्त तेवर के लिए जानी जाती हैं। मायावती ने आज बीएसपी के एक और पुराने चेहरे को पार्टी से निकाल दिया। पूर्व मंत्री और बीएसपी के ब्राह्मण नेता नकुल दुबे को मायावती ने पार्टी में अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीएसपी से निकाले जाने पर नकुल दुबे का दर्द छलक उठा। जी मीडिया से बातचीत में नकुल ने कहा कि उन्होंने पार्टी विरोधी कोई भी काम नहीं किया, लेकिन बहन जी ने उन्हें निकालने से पहले एक बार भी सफाई नहीं मांगी और न ही कोई चेतावनी दी। अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई कार्य हम लोगों ने नहीं किया है जो कि पार्टी के विरोध में हो। हाँ, ये कि हम सर समाज के साथ साथ अपने समाज के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हैं, उनके साथ कार्य करना चाहते हैं, उनको साथ लेकर के इस प्रदेश के हर उस दुखी व्यक्ति घर जाना चाहते हैं, उसके दरवाजे पर जाना चाहते हैं जो आज वास्तव में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। अगर ये पार्टी की विरोधी गतिविधि है तो अब इस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं। सियासी गलियारों में उनके बीजेपी में जाने की चर्चा हो रही है। हालांकि नकुल दुबे ने बीजेपी में जाने की खबरों को अफवाह बताया। ये तो सरासर मत कहते ना कि वो अफवाह ही मैं कहूँगा। आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश से जो हमारे मित्रगण, हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे भाई हैं, सब लोग आज एकत्रित हो रहे हैं यहाँ पर, और सब ने ही कहा कि हम लोग जो है पहले एक दूसरे की बातें सुनेंगे, चर्चा करेंगे, समीक्षा होगी, चिंतन मनन होगा, उसके बाद जो सब लोग सर्वसम्मत से एक निर्णय होगा उस निर्णय पर हम लोग। बहुजन समाज पार्टी में जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी से लोग भाग रहे हैं, मायावती जी भगा रही हैं, वो उस राजनीतिक दल के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति तो है ही। इससे पहले मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामाचल राजभर जैसे बड़े नेताओं को भी पार्टी से बाहर कर चुकी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी कई बीएसपी विधायक बीजेपी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में बीएसपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बीएसपी को महज 12.88% वोट मिले थे और उसके खाते में सिर्फ एक विधानसभा सीट ही आई थी। बीएसपी लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। पार्टी का कोर वोट बैंक भी लगातार खिसकता जा रहा है। सूत्रों से खबर है कि आने वाले समय में और भी पुराने नेता बीएसपी को टाटा बोल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।